तो रिजवान भाई कैसी लगी गाड़ी फाइनली? गाड़ी पसंद आई ना? और सबसे बड़ी बात जो प्राइस पे लिए लेना भाई। तो गाइस अभी हम लोगों ने प्राइस शो नहीं किए लेकिन अब मैं शो कर दूं वो प्राइस। तुम बताओ कितने में लिया मैंने? तो रिजवान भाई को मैंने बताया, रिजवान भाई मुझसे बताओ क्या आपने कितने में लिए? कितने में लिए? लिए ले टॉप मॉडल भाई, बाइक नहीं आती है आज की तारीख में, बाइक नहीं मिल रही भाई, लेकिन 7 सीटर गाड़ी वो भी लग्जरी फील के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का जो व्लॉग है काफी मजेदार व्लॉग है और कुछ हमारे लिए कुछ खास है। तो मैंने आज स्कॉर्पियो बेच दिया था, मैंने बताया था, तो मैंने आज गाड़ी लाया हूँ। तो कौन सी गाड़ी है, मैं अभी सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, वहीं आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि कौन सी गाड़ी है। फिलहाल अभी जिसको पता है वो अंदर से शायद देखकर पता चल जाएगा उनको कि कौन सी गाड़ी है, लेकिन मैं वहाँ पे सर्विस सेंटर जा रहा हूँ तो वहाँ पे चल के आपको पूरी गाड़ी शेयर कराऊँगा कि कौन सी गाड़ी है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बता दूँगा कि मॉडल 2009 का है और क्या प्राइस है, मैं वो भी वहीं बताता हूँ आपको। तो आपके साथ शेयर करता हूँ गाड़ी मेरी और मेरी खुशियाँ भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मैंने फाइनली गाड़ी ले लिया। मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का है इसलिए मुझे बड़ी गाड़ी लगती है, छोटी कार वगैरह मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का है तो मुझे बड़ी गाड़ी मतलब रेंट पे हायर होती है मेरी गाड़ी। तो फाइनली मैंने ले लिया हूँ और मैं ये मेरी खुशियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाड़ी सेकेंड हैंड है, न्यू नहीं है, मैं हमेशा सेकेंड हैंड ही लेता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर, तो मेरे साथ है हमजा और रुमान भी है, तो हम लोग सब जा रहे हैं साथ में। तो चलते हैं अभी सर्विस सेंटर और मैं बाद में आपके साथ पूरी गाड़ी अंदर से बाहर से पूरा शेयर कराऊंगा। थोड़ा वॉश करा लेते हैं, आज फर्स्ट टाइम उसको वॉश कर रहा हूँ, कल लेकर आया था रात में तो मैं उसको फर्स्ट वॉश है मेरे तरफ से। तो चलो चलते हैं अभी। आप लोगों ने देखा महिंद्रा ज़ाइलो 2009 का मॉडल है और मैंने अच्छे रेट में लाया, मार्केट का जो रेट है पर वो रेट में काफ़ी अच्छी गाड़ी मिली मुझे और इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है। खाली बोनट और उसका टॉप जो है वो फेड हो गया है धूप के कारण, तो फिलहाल उसको हम कलर कर लेंगे, बाकी गाड़ी ओरिजिनल है एकदम। तो मैंने अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहा और जो मेरे मुमरा के व्यूवर्स हैं उनको भी पता चल जाए कि मतलब इतने टाइम से मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कुछ 1-1.5 महीने से गाड़ी नहीं थी, तो मैं दूसरे की गाड़ी पे मतलब हायर कर रहा था लोगों को, मतलब भाड़े जो आते थे वो मैं दूसरे को दे रहा था। तो अभी फ़िलहाल अभी ले चुका हूँ तो मेरे मुमरा के जितने व्यूवर्स हैं उनको भी पता चल जाए कि रईस भाई के पास मतलब गाड़ी है अभी, तो रेंट पर कहीं जाना है तो गाड़ी हायर कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और मतलब अपनी खुशियाँ भी है यार, जाहिर सी बात है वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो में हर चीज़ कभी ना कभी कुछ ना कुछ डालने के बारे में दिमाग में चलता है। तो गाइज अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना और मैं आपको इंटीरियर भी बताता हूँ, इंटीरियर भी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है और गाड़ी में कोई काम नहीं है ज़्यादा, सिर्फ कलर के अलावा पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। तो मैं इंटीरियर शेयर करता हूँ आपके साथ। हम आए अभी इधर सर्विस सेंटर ओमेगा में, जो रेगुलर मैं यहाँ पे ही आता हूँ, सर्विस सेंटर मेरे फ्रेंड की है इसरार की, तो इधर ही रेगुलर मैं आता हूँ। जब भी गाड़ी खरीदता हूँ तो पहले आके यहाँ पे वॉश कराता हूँ, वॉश करके मतलब गाड़ी खड़ी करता हूँ और जो भी मेरा मतलब बिजनेस में चलती है फिर गाड़ी। तो अभी देखते हैं वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद कैसी लगती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी थोड़ी गंदी आपको मैंने शेयर किया हूँ, क्योंकि गंदी इसलिए शेयर किया हूँ कि गंदी है तो शेयर कर दिया और अभी वॉश के बाद किस तरह से लगती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपके साथ मैं भी देखूंगा उसको और आपके आपको भी शेयर करूंगा। तो चलो अभी इसको वॉश के लिए खड़े करते हैं, अभी हमारा नंबर आया नहीं जब तक, मैंने सोचा चलो थोड़ा आपके साथ बातें कर लूँ। तो मेरी खुशी है मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ, तो कमेंट कर देना यार गाइस, जो भी आपको बोलना है कमेंट कर देना। तो चलो अभी अभी हमारा नंबर आएगा फिर मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। जो हमारे इसरार भाई है,
तो फाइनली गाइज अभी गाड़ी को सर्विस करते करते रात हो गई और अभी हम लोग निकल चुके सर्विस सेंटर से और मैं गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे दूसरे ब्लॉगर के पास, मेरे मामू का लड़का जो है रिजलर, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसको फ़ोन किया था मैंने कहाँ है करके, तो मतलब गाड़ी ऐसे ऐसा मैंने बताया कि मैंने गाड़ी लाया हूँ। रिजवान भाई भी आ गए, आ रहे रोड क्रॉस कर रहे, तो देखते हैं अभी वो आने के बाद उनका रिएक्शन क्या है, उनको गाड़ी कैसी लगी, पसंद आती है कि क्या नहीं, देखते हैं उनको भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते भाई, कैसे भाई? मस्त भाई, लेके आए टॉप मॉडल, लेकर टॉप मॉडल, टॉप मॉडल बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे अपन, बहुत कड़क गाड़ी है भाई, अच्छी मिली एकदम, जो वो देख रहा बोले बोले भाई बहुत अच्छे भाव में भी आई, वो तो बाद में बताया नहीं ना, वो सीक्रेट है, बताया नहीं है अभी तक, बताया नहीं, तो अभी लास्ट में एंड में खत्म कर दे रहा है। आ जाए उधर से अंदर, ऐसी गाड़ी मस्त, अंदर से एक नंबर, अंदर से लुक वगैरह कड़क है ना, मस्त है, वाकई में बहुत वो अच्छी मिली। कब का है ये मॉडल? 2009। ये भी चालू है क्या? हाँ ये भी चालू, खाली इसका ये पैनल लॉक नहीं हो रहा, बाकी चालू है, चालू है ना, लेकिन अपन मैं सोचा उसमें टच लगाऊंगा, रखने वाले रखने का ही सोचा, बेचेंगे नहीं ना, नहीं रखो भाई, इसको रखूंगा बोर्ड, क्योंकि ना आवाज गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है और मॉडल भी है, आवाज एकदम चलने वाला, हकीकत में अलग फील आ रहा है इसमें बैठ के, मालूम लग्जरी, थोड़ा लग्जरी टाइप फील है इसमें, चलाने में भी एकदम स्मूथ है, सस्पेंशन शॉक आवाज नहीं कूद, एकदम साइलेंट गाड़ी। लो फिर अंदर से ग्राउंड तो मार के आएंगे, तो चलो भाई हमारे रिजवान भाई राउंड मारने का बोल रहे हैं। हाँ भाई, तो एक ट्रायल मारते हैं, अभी गाड़ी में बैठे चलाओ ना तुम, मैं चलाता ना फिर, अभी थोड़ा बाजी में बैठ के फील तो ले लूं भाई। हाँ यार बहुत साइलेंट गाड़ी है। तो गाइस अभी हमारे रिजवान भाई ट्रायल में ले रहे मेरी गाड़ी की, तो रिजवान भाई जालो चला, रिजवान भाई को तो बहुत पसंद आई मेरी गाड़ी, अरे भाई बहुत। और गाइस अंधेरा हो गया फिर भी यार आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और लाइट में, हमारे गाड़ी के लाइट में ही शूट कर रहे हैं, स्टीयरिंग इंशाल्लाह भी इसमें व्हाइट लाइट लगा दूंगा, अभी तो फिलहाल जो कंपनी येलो है, एक्चुअली पूरा कंपनी फिटिंग ही है इसमें अभी, जो कुछ भी है अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। कैसी लग रही रिजवान भाई? मस्त है एकदम, बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा लग रहा है इसमें, स्मूथ है ना, अभी हम लोग देखो स्कॉर्पियो चलाने वाला आदमी हुआ है, मेरे को भी ऊंचा लग रहा है इसके अंदर, तो हमारे रिजवान भाई का स्कॉर्पियो है, उनको स्कॉर्पियो की आदत है, दोनों तो एक ही कंपनी की गाड़ी हमारी, मेरी जायलो है उसकी स्कॉर्पियो, पर दोनों कंपनी एक महिंद्रा की है, महिंद्रा की है, लेकिन एकदम ऊंचा ऐसा लग रहा है, हाइट अच्छी है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट होगा सीट में, नीचे वो साइड में, तो मेरे ख्याल से टॉप मॉडल है ना, ऊपर है सब है इसमें, वो ऊपर है, देखो झंडू को सीख रहा है हमारे एक झंडू तो गाइज अभी हम लोग यहाँ मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ और उतर के करते हैं कि गाड़ी में कर लेते, गाड़ी में ही करेंगे भाई, बाहर से दिखा दिया ना गाड़ी, हाँ बाहर से सबको दिखा दिया, व्यूअर्स को दिखा दिया। रिजवान भाई कैसी लगी गाड़ी फाइनली, गाड़ी पसंद आई ना? और सबसे बड़ी बात जो प्राइस पे लिए लेना भाई, तो गाइज अभी हम लोग ने प्राइस शो नहीं किए, लेकिन अब मैं शो कर दूँ, तुम बताओ कितने में लिया मैंने, तो रिजवान भाई को मैंने बताया, रिजवान भाई मुझसे बताओ क्या आपने कितने में लिया, कितने में लिए? 1,40,000 रुपए में लिए ले टॉप मॉडल जायलो भाई, बाइक नहीं आती है आज की तारीख में, बाइक नहीं मिल रही भाई, लेकिन 7-सीटर गाड़ी वो भी लग्जरी फील के साथ, और टोटल उसमें कोई काम नहीं गाड़ी में, एसी वगैरह सब वर्किंग, एसी चालू है अभी, एसी में ही हम लोग, एसी चालू है, इंश्योरेंस वगैरह हर चीज अवेलेबल है इसमें, कोई चीज मतलब मुझे काम भरना है या करना है कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बहुत बहुत सही टाइम पे लिए, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन है एक दो महीने, हमारे रिजवान भाई की एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में तो पक्का यही गाड़ी चलने वाली जाने वाली है, उनकी स्कॉर्पियो रहेगी, ये रहेगी, और भी घर की और भी गाड़ियां रहेगी, 4-5 गाड़ी है तो इसकी जरूरत थी, इंशाल्लाह वो व्लॉग में भी बहुत मजा आएगा, हम लोग साथ व्लॉग बनने वाला है एंगेजमेंट का, साथ रहेंगे तो वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे और वो इंशाल्लाह उसको मजेदार बनाएंगे। तो गाइज अभी वीडियो एंड करते हैं हम लोग, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब बटन, अगर कर नहीं करे तो प्लीज बटन दबा देना, तो हमेशा की तरह अल्लाह हाफिज, मिलेंगे ऑफिस नए व्लॉग के साथ।